नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन नई न्यूज। यूपी चुनाव में तमाम पार्टियां जो है तैयारियां तो कर ही रही हैं, तमाम नेता अपने अपने दावे भी करते हैं, वादे करते हैं। लेकिन इस बीच में अगर बात करें कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की, तो उन्होंने जिस तरह से किसानों का जिक्र किया है, जिस तरह से किसानों के साथ खड़े उतरी है, जिस तरह से किसानों की मजबूरियों को सुनी है, जिस तरह से किसानों के साथ बैठकर बातचीत की है, कोई और नेता इस तरह से करता हुआ नजर नहीं आया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये तो हम सब नहीं जानते हैं। लेकिन इसे साफ जाहिर है, राजनीति के ही बहाने कम से कम ये नेता या कोई और भी नेता किसानों की बात तो कर रहे हैं, किसानों की तकलीफों को सुन तो रहे हैं, उनके दर्द को बयां तो कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ताजा मामला रामपुर के एक गाँव का है। प्रियंका गांधी कल जो है मटर के खेत में गई, आप अंदाजा लगा सकते हैं, मटर के खेत में गईं, महिलाओं को बुलाई, उनको इकट्ठा कराई और उनसे बातचीत की, उनके परेशानियों को सुनी, उनके दर्द को सुना, उनसे हंसी मजाक भी किया। ये खूबसूरत तस्वीरें बहुत कम देखने को मिलता है। उम्मीद करते हैं कि प्रियंका गांधी अगर वाकई में उनके दर्द को समझने के लिए, उनके परेशानियों को दूर करने के लिए अगर उनसे मुखातिब हो रही है, तो ऐसे नेता की हमारे देश में जरूरत है। लेकिन अगर इसमें राजनीतिक ही एंगल हो और उसी बहाने अगर किसानों का भला हो तो भी अच्छा है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन प्रियंका गांधी जिस रास्ते पर चल रही हैं, यूपी के मद्देनजर, किसानों के मद्देनजर, ये एक अच्छा एक रास्ता है। देखना यही होगा कि आखिर चुनाव के ही बहाने कौन ऐसी पार्टी और नेता है जो किसानों की तमाम मुसीबतों को दूर करता है, क्योंकि हर एक के मैनिफेस्टो में किसानों का जिक्र जरूर है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते हैं स्पेन आई न्यूज। नमस्कार।